फाल्स न्यूट्रल, ट्रैफिक में फिल्टर करना, वाइब्रेशन वगैरह, थ्रॉटल डाउन करते हैं, तो वैसे ये ऐसे क्लच का पुल भी ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर में बैठा हुआ हूँ। इसके जो गियर है स्टेबिलिटी से प्यार, एक्सट्रीम को यहाँ पर कुछ सीखना चाहिए। इंजन के मामले में तो भाई मैं कहूंगा सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारे साथ द ब्रांड न्यू पल्सर N125, और आज हम लोग करने वाले हैं इसका रियल लाइफ राइड रिव्यू। एंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को बजाज का कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो आप भानु मोटर्स अतर्रा में कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी सारी कांटेक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को वॉकराउंड दे देता हूं। तो ये रहा इसका कुछ साइड प्रोफाइल, जहां पर पल्सर 3D में लिखा हुआ है, और ये है इसकी हेडलाइट, बिल्कुल क्यूट क्यूट सी, ठीक है। और यहाँ पर ये है इसका डिस्क ब्रेक जो कि 240 mm का है, 80 सेक्शन का फ्रंट टायर है और 100 सेक्शन का रेयर टायर है। ब्लूटूथ वाले वेरिएंट में आपको 110 मिलेगा। और ये रही इसकी ग्रैब रेल, और ये रहा इसका स्प्लिट सीट का सेटअप जो कि स्प्लिट बिल्कुल भी नहीं लग रही है। कुशन इसका हार्ड है, बाकी चलाते टाइम आपको बताता हूँ। और ये रहा इसका इंजन जिसमें 5-speed गेयरबॉक्स है, और इधर की तरफ आप देख लो किक स्टार्ट है, ठीक है। तो सीधे गाड़ी में सैडल करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, ओके। तो ये स्टार्ट हो गई है भाई, हाई बीम एंड लो बीम। यहाँ पर छोटा सा MID दिया हुआ है जहाँ पर आपका स्पीड है, और ओडोमीटर दिया हुआ है, ट्रिप मीटर नहीं है इसमें। ब्लूटूथ वाले वेरिएंट में आपको ट्रिप वगैरह मिलेगा, और इसमें यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर दिया हुआ है, ठीक है। बल्ब टाइप के इंडिकेटर हैं, LED नहीं है। यहाँ पर चार्जर दिया हुआ है, और ये 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक है जो कि देखने में काफ़ी ह्यूज लग रहा है, बट डिस्टेंस इसकी छोटी है। इसको मैं रेव करके दिखाता हूँ आपको। तो कुछ इस तरह से इसका एग्जॉस्ट नोट है, अंडरबेली एग्जॉस्ट है। तो पहला गियर डाला और अब चलते हैं रोड की तरफ। ओके, फाल्स न्यूट्रल हो गया भाई यहीं पर, ठीक है, कोई नहीं। गाड़ी भाई बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रही है, 127 kg का वेट है, तो फ्लिक करने में काफ़ी आसानी होगी। और इसका जो पूरा का पूरा स्टैंड है वो इम्पल्स की तरह है, जैसे आपने हीरो इम्पल्स देखी होगी उसी की तरह का लुक लगता है। और हेडलाइट से ये पूरी की पूरी एक्स ब्लेड की तरह लगती है। ओके, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इस मोटरसाइकिल को ट्रैफिक में फ़िल्टर करना बहुत ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि मनूवर करने में बहुत ज़्यादा इजी लग रही है ये मोटरसाइकिल। वाओ, एट द सेम टाइम रिफाइनमेंट भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं है कि रिफाइनमेंट की बहुत कमी हो या वाइब्रेशन वगैरह ऐसा फील हो रहा हो, तो ऐसा भी नहीं है। ब्लू कलर की टेल टेल लाइट्स है, और जब इसका बटन ऑन करते हैं तभी ये न्यूट्रल वगैरह बताती है, यानी कि जब ऑन पोजिशन में होती है, अदरवाइज़ ये नहीं बताएगा, ठीक है। ये देखो आप क्या चल रही है मैन, और स्टेबिलिटी भी मुझे अच्छी लग रही है कि जैसे ही थ्रॉटल डाउन करते हैं तो वैसे ये ऐसे ऐसे नहीं होती है जैसे कि एक्सट्रीम होती थी। तो एक्सट्रीम में तो खैर सस्पेंशन की वजह से वो चीज़ होती है, लेकिन इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहे हैं और पीछे की तरफ मोनोशॉक मिल रहे हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्यून्ड है। एटलीस्ट सिटी एंड हाईवे राइड के लिए बहुत ही अच्छे से ट्यून्ड है, कोई दिक्कत नहीं है इस मोटरसाइकिल को ऐसे चलाना या मनूवर करना, बहुत इजीली गाड़ी आपकी चलेगी। ये देखो जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ, और रियर व्यू मिरर में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी भी है, और सिंगल हॉर्न के साथ आती है, ये डबल हॉर्न नहीं मिलते इसमें। और क्लच का पुल भी बहुत ज़्यादा लाइट है, एकदम हार्ड साइड पे नहीं है कि जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड हो या दबाने में, जैसे बजाज की अदर गाड़ियाँ होती हैं थोड़ा सा हार्डर साइड पे क्लच होता है, तो वो नहीं है, काफ़ी स्मूथ है। और अब बात करते हैं भाई ये इसकी सीट के बारे में। तो सीट में भाई ज़रा सा भी कुशन नहीं है, मतलब स्पॉन्जीपन नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर में बैठा हुआ हूँ, इस तरह का फील आ रहा है। और राइडिंग एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करें कि मैं किस तरह से किस स्टैंस में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। राइडिंग ट्रायंगल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, रिस्ट पेन और बैक पेन वगैरह आपका कुछ भी नहीं होगा। बस इसमें अगर पैडिंग थोड़ा सा बढ़ जाए तो मज़े आ जाएंगे भाई, पैडिंग की थोड़ा सा ज़रूरत है इस मोटरसाइकिल में, और कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी इसका हाई बीम देखो लगाया मैंने, और लो बीम पासिंग वगैरह दे सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत नहीं। टर्न इंडिकेटर, मतलब कि जो इनके बटन्स होते हैं ना कंसोल में,
वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इनका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है, मतलब बटन दबाने में जो क्लिक साउंड आता है वो काफ़ी बढ़िया है। और ओवरऑल जो पल्सर डीएनए के बारे में बात करें तो वैसा कुछ ज़्यादा मुझे नहीं फील हो रहा है, एक कम्यूटर मोटरसाइकिल की तरह ही ये बिहेव कर रही है, वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टाइप की हो। 12 पीएस की पावर है और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 5 स्पीड गियर बॉक्स है, तो उसी तरह से ये काम कर रहा है। तो मतलब जितनी आपको सिटी में रिक्वायरमेंट होती है पावर की और सारी चीज़ों की, उस हिसाब से ये बढ़िया काम कर रहा है। और इसके जो गियर हैं वो भी फंस नहीं रहे हैं, मतलब ये स्मूथ हैं, ऐसा डालने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि ऐसा दिक्कत हो रहा हो कि गियर फंस रहे हों या ऐसा कुछ, तो वो चीज़ नहीं है, बहुत ही स्मूथली गियर पड़ रहे हैं और ग्रेजुअली ये स्पीड गेन अप कर रही है। देखो थोड़ा सा भगाते हैं, स्टेबिलिटी से प्यार हो गया इसकी, एक्सट्रीम को यहाँ पर कुछ सीखना चाहिए। और ब्रेकिंग भी भाई बहुत सही है, मतलब फीडबैक अच्छा है। एबीएस और ये लोग दे देते हैं तो भाई मज़े आ जाते हैं, एबीएस की थोड़ी सी कमी है इस मोटरसाइकिल में, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, एबीएस और होता तो मज़े आ जाते। बाकी पावर एंड पिकअप काफ़ी ज़बरदस्त है और जो नॉइज़ क्रिएट कर रहा है इंजन और एग्जॉस्ट मिलके वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऐसा चॉपी टाइप का जो ट्रांजिशन होता है वैसा नहीं है, देखो ये देखो, तो मतलब ऐसे झटके झटके जैसे नहीं देती ये गाड़ी, वैसा नहीं है। इंजन के मामले में तो भाई मैं कहूँगा रिच है ये गाड़ी, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है यार, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। बस अभी इसमें ना बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की नीडेड है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। फ्लिक करना, मनूवर करना, ट्रैफिक फिल्टर करना, नो इशू। ये देखो आप, और गियर तो भाई ऐसे डल रहे हैं ना लाइक अ बटर। मुझे अभी कहीं पर जगह मिलती है तो मैं रोक के आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ गाड़ी को। वाह मैन, मुझे ना अभी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी, लेकिन मुझे बैक साइड में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया है, मतलब सीट हार्ड है यार। सो इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी अच्छी है, बट उतना भी खुल के वाला परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है जैसे कि आना चाहिए, बट मुझे लगता है जब इसकी पहली सर्विस हो जाएगी तो ये खुल के और अच्छा परफॉर्म करेगी। बाकी वाइब्रेशन वगैरह नहीं है, हाल फिलहाल तो नहीं फील हो रहा है किसी भी तरह का, और स्टेबिलिटी अच्छी है गाड़ी की, नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है स्टेबिलिटी के मामले में, और ब्रेक्स भी इसके अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक प्रेटी मच सारी चीज़ें मैंने इस मोटरसाइकिल की कवर कर ली है, और हार्डवेयर्स में जैसे जैसे के इंडिकेटर हैं और भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो अगर और एड अप हो जाएं तो ये और वैल्यू फॉर मनी बन जाएगी, क्योंकि प्राइस लगभग जो दूसरी गाड़ियां आती हैं उसी के आसपास का ही है। तो भाई लोग अब इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, और आई होप आप लोगों को पल्सर N125 का ये वाला रिव्यू पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि आप लोग 125 सीसी में कौन सी मोटरसाइकिल लेना पसंद करोगे या कौन सी आपकी फेवरेट मोटरसाइकिल है। अभी ऑन पोजीशन में मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी की हेडलाइट, तो ये देखो ये इसकी हेडलाइट है, और ये इसकी लो बीम और हाई बीम दोनों जल रही है, मतलब हाई बीम पे अब ये गाड़ी, ठीक है, और ये इसके इंडिकेटर है, ओके। और ये देख लो आप, इसका कंसोल साइड स्टैंड बता रहा है, और ये सारी चीज़ें हैं।